गिरीश क्या काम करते हो आप? सेंटरिंग करते हो। सेंटरिंग कारपेंटर कहाँ कहाँ काम किया, कितने साल काम किया? काम सात आठ साल हो गए। सात आठ साल दुबई में काम किया है। और कहाँ काम किया? सात आठ साल जी दुबई में काम किया। क्या काम किया? काम किया अपना स्ट्रेट का बीम का, उसके बाद में वाइट। अच्छा, ये जोका बेरी क्या होता है? जोका बेरी उसका सपोर्ट होता है। अच्छा, जो की स्लेब जो होता है उसका सपोर्टिंग होता है। कहाँ काम किया आपने? जोका बेरी काम किया। मान लीजिए एक रूम में यहाँ कहाँ जोका लगेगा? यहाँ जोका का पहले इसका पूरा फाउंडेशन नीचे बनाना पड़ेगा, यानी मान लो जितना इसका टॉप लेवल हो उससे डाउन। ओके, तो उसके बाद में जोका ऐसा लंबा डाल के चार पाँच जगह पे जग लगाना पड़ेगा। जग लगाया कभी? हाँ, जग टाइट किया। टाइट लेवल कैसे चेक करते हैं? किसका? उसका कारपेंटर का। कारपेंटर लेवल अपना अपना वो आएगा, सर्वे आएगा, जिस टाइम में बोले वो गाओ उस टाइम में हम लोग उठाते हैं। लेकिन फिर भी जो कालम में जो अपना जो लेवल निकाला है वहां से टेप लगा के दोनों छड़े में चेक किया, उसके बाद जो दो तीन जगह पे बीच में चेक किया। चार बजे साल ये मेरे को यू होता पता कहाँ लगता है? वो ऊपर लगता है, वो लगता है सिर्फ सपोर्टिंग के लिए। सपोर्टिंग क्यों? जगह जगह पे दो दो ढोका आता है, तो उसमें दो भी डाल सकते हैं और सिंगल भी अपन डाल सकते हैं। इसका वजन क्या देखा आपने कभी? हाँ, इसका वजन ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 150 किलो वजन होता है। ये लोहे का होता है? लकड़ी का होता है? नहीं नहीं, लोहे का होता है। लोहे का होता है। अच्छा, ये क्या है? सरिया है ना? सरिया वाला के काम करके चले गया। चला ये कलो में थे। इसके बाद आपको कारपेंटर का काम करना पड़ेगा, तभी तो मसला डालेंगे ना। जो कारपेंटर का काम करेगा, ये सरिया जो है ना, ये सरिया से कितने डिस्टेंस मतलब दूरता कितने डिस्टेंस में आप कारपेंटिंग लगाते हो? इसका ये तो अभी समझो सरिया वाला भाड़ा, अगर जो फर्स्ट से भाग कर उसके बाद में इसका अपना वो होगा रेडीमेड माल बन गया है। ठीक है, फिर इसको अपना डालेगा तो अपना पूरा करेगा। कभी वो नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, मेरा सवाल ये है जो कारपेंटर जो लकड़ी जो प्लाई है ना, प्लाई जो लगाएगी आप वॉल के साथ, वो कितने डिस्टेंस में होना चाहिए सरिया से वो वॉल लकड़ी? अच्छा, सरिया से लकड़ी का अपना कितना डिस्टेंस हो रहा है प्लाई? हम लोग 1.5 से 2 सेंटीमीटर। 1.5 से 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्या है? ये तो अप्लाई कहाँ यूज होता है? ये जो जल है ना, जिधर अपना समझो कि अपना वो आया कालम है, तो कालम का जैसे ये वॉल किया लंबा, इसका नंबरिंग होता है पता है? हाँ, कितने नंबरिंग? अभी जो सेंटर में आएगा ना साहब, ये उसमें कलम बीम हो गया, ये जॉइंट पॉइंट हो गया। ज्वाइंट पॉइंट में कैसे ज्वाइंट करें और क्या क्या काम है ये टू जेड पॉइंट पूरा? किसमें? ज्वाइंट पॉइंट इसमें ज्वाइंट में, ज्वाइंट में पहले ज्वाइंट करते पूरा प्लेन होते थे, फिर उसके बाद में एक टेप आता है, उसको बोलते डक टेप। सही, वो डक टेप उसमें चिपकाते हैं क्योंकि अपना अपना कंटेंट ना निकले वहां से पानी वगैरह, उसको चिपका के फिर उसके बाद में अपना बॉल लगाते हैं। फिर बाल लगाने के बाद में जो बीम बनाते हो ना, सपोर्ट कैसे? सपोर्ट अगर बड़ा बीम है तो उसमें टाई रॉड लगाते हैं, अगर छोटा बीम है तो उसमें दूरी दूरी पे यानी 800, 900, 600 ऐसा वो करके होल मार के टाई रॉड लगाते हैं। फुटिंग फुटिंग को भी काम किया? हाँ, फुटिंग में काम किया। फुटिंग में क्या किया था? अच्छा, फुटिंग में अपना पेटी लगाया, फिर उसके बाद में जब पेटी भर गया तो कदम में गया कालम के बाद में। कैसे काम किया? सेंटीमीटर मिलीमीटर सब चीज में जैसा आप बोला जैसे। एक सेंटीमीटर कितने मिली होता है? एक सेंटीमीटर इसको इसको टेप नहीं बनाए। हाँ, टेप नहीं होगा बोल तो मैं। एक सेंटीमीटर कितने मिली होता है? कहाँ एक सेंटीमीटर निकलता है? एक सेंटीमीटर कहाँ है? ये है? नहीं, ये है हाथ की मतलब एक सेंटीमीटर। ये नीचे वाला सेंटीमीटर ऊपर वाला यूज होता है। ठीक है, नहीं से निकलता। और उसका आधा जो छोटे छोटे जो गार होता है मिली मिलीमीटर, तो एक सेंटीमीटर कितने मिली?
12 होता है ना 10 होता है छोटा बोली भाई 10 है 10 और बाकी इतने साल काम किया तो ये छोटी मोटी क्वेश्चन ना 15 इंच की दर्दी हो गया 15 इंच 3 फुट की दर्दी एक फुट में कितने इंच होता है एक फुट में 12 इंच होता है ये देखो अपना एक फुट आ गया एक फुट हो गया इंच कितना हो गया लेकिन अपन 12 इंच मानते हैं क्यों मानते हैं और सेंटीमीटर मानते हैं 300 300 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ये एक मीटर में कितने मिलीमीटर होता है पता है आपको तो कैसे काम करेगा आपको मिलीमीटर की पंक्ति जा रही है अगर क्या सर बाहर करके और सेंटीमीटर कलम कितने बाई कितने बनाया आपको कलम मैंने 400x400 ठीक 600x600 सामान क्या कहते हैं कल शुरू क्या काम करने के लिए जाएगा हमको चाहिए प्लाई चाहिए उसके बाद मौका चाहिए उसके बाद एक अपना आता है सोल्जर आता है उसको बोलते हैं बॉयर बोलते हाँ उसके बाद टायर आ रहा है तो बस वही अपना कलम खड़क करने के बाद पीला जो डोका आता है तो जितना कलम का है हाइट डोका का साइज क्या होता है डोका का वो साइज तो और तमाम होता है यानी समझो कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर यानी 6-7 मीटर तक हम डोके काम किया बिस्किट अपना उसमें लगाते हैं स्टील में लगाते हैं जिधर अपना अपना कलम होता है ना कलम जो 4 सेकंड ठीक है आपको ड्राइंग करना पड़ेगा ठीक है अगर ड्राइंग में पास आपको मैं एक ड्राइंग दे रहा हूँ टेस्ट मारना पड़ेगा अगर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो मैं आपको ठीक है खुश ठीक है ओके।